10 करोड़ कैश लाए? कुछ खास काम है क्या? बहुत खास काम है, ये सारा पैसा मिशन व्हाइट एलिफेंट के लिए आया है। ध्यान रहे, गुंडप्पा सर ने कहा बी केयरफुल। डोंट वरी, ये गुंडप्पा सर की सबसे सेफ जगह है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गुड। आहा, क्या क्लब है ये, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। ये तो साक्षात इंद्रलोक है, रंभा, उर्वशी, मेनका सब यही तो है। ये लड़कियां नहीं, ये तो वनीला आइसक्रीम है। सर, सर, क्या देख रहे हैं आप? नहीं नहीं, देख नहीं रहा था मैं, तो सोच रहा था कि ऐसे क्लब में इस तरह का डांस देखने तुम्हारी जैसी शरीफ लड़कियां बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, हमें फौरन यहाँ से चलना चाहिए। चलो चलो चलो। सर, मैं डांस देखने थोड़ी आए हैं, हम तो लड़कियों को छुड़ाने आए हैं। ए इंस्पेक्टर, पता नहीं तुझे इस क्लब में पुलिस वाले अलाउड नहीं है, फिर तू यहाँ कैसे? हाँ, बस घूमते घामते टहलते टहलते ऐसे अच्छा है। ऐसे ही नहीं, हम रेड मारने आए हैं। मैं एक रिपोर्टर हूँ और मुझे पक्की खबर मिली है कि यहाँ कुछ लड़कियों को जबरदस्ती बंद करके रखा है, निकालो बाहर। ए लड़के, क्या बकवास कर रही है तू? आराम से काजल, आराम से। सर, आप लड़ने से डरते हैं क्या? नहीं, डरता नहीं हूँ, लड़ना तो मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन क्या है ना काजल, कि अगर चेहरे पे चोट लगती तो करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। क्या? मैं बात करता हूँ। तू बात करेगा, तू बात करेगा। वचन से मुख्तार, बलबीर, बख्तावर, हलन। अरे सर, बात करने के लिए इतने सारे लोग। हम यहाँ ऐसे ही बात करते हैं, चुपचाप बैठ, खा पी और निकल ले। okay. हम खाने नहीं खिलाने आए हैं। ये इंस्पेक्टर ना बिना ब्रेक का बुलडोजर है, एक बार चलता है ना तो रुकता नहीं है। अच्छा ए, हट रे। के सीनियर इंस्पेक्टर घोरपोड़े के आदेश पर उनके एक नौजवान अफसर ने ना केवल यहाँ गुंडों को पीटा बल्कि कुछ नाबालिग लड़कियों को भी छुड़ाया और यहाँ करोड़ों का ब्लैक मनी बरामद किया। घोरपोड़े साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं I'm sorry सर, मैं क्या कहूँ? कौन, किसने किया ये? मुझे पता नहीं, मैं तो अभी आया नया। ये सब कितना हो गया कैश, किसने बोला?